इस आदमी पर कोई टैंकर चढ़ गया था क्या? सारी की सारी हड्डियां टूट गई हैं। कोई टैंकर वैंकर नहीं चढ़ा था इसके ऊपर सारों के, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था यार। छोटा सा? हाँ, वो भी किसी ने करवाया था। हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, 43 जगह हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं और 21 जगह माइन्यूट फ्रैक्चर्स हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके पहले भी इसके शरीर पर बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो चुके थे जो अब ही लोग हैं। बस इन हड्डियों के टूटने की वजह से इसके शरीर के नाजुक अंग जैसे हार्ट, फेफड़े, ये सब डैमेज हो गए हैं और मौत भी शायद इसी वजह से हुई है। सारुखी, ये जो निशान है स्क्वेरिश, ये कैसे निशान है? बस ये निकोटिन पैचेस के निशान है, इसके शरीर पे बहुत ज्यादा है। इसे सिगरेट पीने की लत थी और वो इसे छोड़ना चाह रहा था। निकोटिन पैचेस, अच्छा। और फिर यार अभी अभी तारिका ने बताया कि इसके शरीर पर पुराने फ्रैक्चर्स के निशान भी हैं, बहुत सारे। ये पुराने फ्रैक्चर्स का क्या मतलब हो सकता है यार? तू क्या कर रहा है साउंड के? अरे तू ये बस, ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट मतलब ब्रिटल बोन डिजीज। एग्जैक्टली, भंगुर अस्थि रोग। मतलब इसकी हड्डियां भंगुर हैं। और इसीलिए बॉस, इसकी हड्डियों को अगर जरा सा भी चटका लगे तो चकनाचूर हो सकती है। ये जादव है सर, अमन का ड्राइवर। काफी परेशान लग रहा है वो, देखते हैं। जादव। जी सर। अमन के ड्राइवर है ना? जी सर। क्यों, छुट्टी पर क्यों गए थे तुम? साहब बीमार हूँ और अमन सर ने मुझे खुद छुट्टी दिया था। मिस्टर अमन को तुम ही लेके जाते थे ना? जी मैडम, अमन सर मेरे साथ ही जाते थे, कभी वो कोई टैक्सी वगैरह नहीं लेते थे। तो फिर तुम तो हमें बता सकते हो कि अमन साहब कहाँ कहाँ जाते थे, है ना? जी जी। ये देखो जादव, ये जगह पर उनकी मौत हुई थी। अब ये जो रास्ता है, ये कहां पर जाता है या फिर वो इस रास्ते पर कहां जा रहे थे, ये तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता है। देखो, हमें पता है कि तुम इसके बारे में जानते हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सीधे सीधे बता दो। जी मैडम, सुप्रीति मैडम से कुछ कहिएगा मत। वो सड़क के कुछ दूर पे एक मोटेल है, वहां हमेशा वो बार बार जाते थे। मोटेल में बार बार जाते थे? क्यों, इससे मिलने जाते थे? जी साहब, एक मैडम थी। जादव, ये जो कुछ भी तुमने देखा, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, सुप्रीति भाभी से भी नहीं, समझे? ओके? जी सर। मैडम थी, मतलब अमन का उस औरत के साथ चक्कर चल रहा था। जी, छोटी मुंह बड़ी बात, साहब छुप छुप के उस मैडम से अगर मिलते थे तो इसका मतलब तो यही निकलता है। अमन उस औरत से मिलने जा रहा था जब यह हादसा हुआ, तो हो सकता है वो औरत अब भी वहीं पर हो, उसी मोटल में। चलकर मिलना पड़ेगा इस औरत से। चलो मान लिया रूही कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वहां से भागी क्यों? मुझे लगा कि ये लोग मुझे मारने आए हैं। इसका मतलब कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है? जी, वही लोग जिन्हें हम एक्सपोज करने वाले थे, उनके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत थे। कौन लोग और कैसे सबूत?
बताओ। इसे तुम जानती हो ना? यमन है ना, इसी के साथ तुम मिलकर काम करती थी, इसी के साथ मिलकर तुम उन लोगों को एक्सपोज करने वाली थी जिसकी वजह से अमन की जान चली गई। देखो रुई, अब शायद तुम्हारा नंबर है, वो लोग तुम्हें मारेंगे। सर मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती सर। तो फिर बताओ, बताओ जल्दी, कौन लोग हैं वो? उनका राज छुपाने से वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं सर। ये लो पानी पी लो, पियो। और मैंने जो कहा ठंडे दिमाग से सोचो, अपने बारे में सोचना जरूर, मैं आता हूं। घबराई हुई है, डरी हुई है, लेकिन अब डरने की क्या जरूरत है सर, अब तो सीआईडी के पास है वो। लेकिन सर वो हम पे भरोसा नहीं कर पा रही, थोड़ा वक्त लगेगा। सी जो अमन का वकील है मयांक, उससे क्या पता चला? सर अमन ने बहुत सारी दवाई की कंपनियों में पैसा लगाया था, लेकिन वो सब की सब घाटे में चल रही थी। एक कंपनी है जो जिसने अभी अभी फाइनली फायदा करना शुरू किया था, CRM फार्मास्यूटिकल। और सर ताजुब की बात यह है कि अमन ने पिछले हफ्ते ही इस कंपनी के साथ जितने भी डीलिंग्स है वो सब तोड़ दिए, और मयंक भी इस बात से काफी हैरान था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस अमन ने जब ये कंपनी लॉस में जा रही थी तब उसके साथ तो डील नहीं तोड़ा, और जब ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है तब डील तोड़ने जा रहा है। और सर वो मयंक से कभी कोई बात छुपाता नहीं था, उसने ये बात मयंक को बताई भी नहीं। हाँ सर, मयंक ने उसका भरोसा तोड़ दिया होगा सर। आओ सर। रोहित, CRM फार्मास्यूटिकल्स के साथ जो अमन की डील थी वो तुम्हारी वजह से कैंसिल हो गई है ना? वरना उसके पास ऐसी कोई वजह तो थी नहीं। अब सच सच बता दो कि डील तुमने क्यों तोड़वाई? क्योंकि उसने मेरे भाई का खून किया। भाई का खून? सर मैं जिस शहर से आई हूँ उस शहर में बहुत पोल्यूशन है, मेरे भाई को पोल्यूशन से बहुत एलर्जी थी, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, वो तो सिर्फ दवाइयों पर ही जिंदा था। एक मिनट, और वो दवाइयां थी CRM फार्मास्यूटिकल कंपनी की है? जी सर, और सब के सब नकली थी, मेरे भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं कर रही थी, और ये बात हमें बहुत लेट पता चली और मेरे भाई की जान चली गई। तुम्हें कैसे पता चला कि वो दवाई नकली थी? सर मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में केमिस्ट हूँ, जब ये दवाइयाँ मेरे भाई पर असर ही नहीं कर रही थी तो मुझे शक हुआ कि क्या बात हो सकती है, तो मैंने उन दवाइयों को खुद से टेस्ट किया और मेरा शक बिल्कुल सही निकला, सारी दवाइयाँ नकली थी। नकली थी मतलब? सर हर एक दवाई एक खास केमिकल से बनती है, और जिस दवाई की मेरे भाई को जरूरत थी वो केमिकल तो उस दवाई में था ही नहीं, जिसकी वजह से वो दवा उस पर असर भी नहीं कर रही थी। और अमन इस कंपनी में एक इन्वेस्टर था। जी सर, इसलिए मैं उससे मिलने भी गई थी, लेकिन वहां जाके पता चला कि इसमें तो उसका हाथ है ही नहीं, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी इसमें मदद करेगा। अरे सर आप यहाँ कैसे, कोई काम था क्या? हाँ ये मेरी असिस्टेंट रूही है। हेलो। इसे देखना था कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं, देख सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर, आपको कैसे मना कर सकते हैं, आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ बॉस के यहाँ चलिए, रूही अपने आप देख लेगी। रूही तुम जाओ। मैम आइए। एक मिनट सर, ज्यादा आगे मत जाना, आप यहीं तक देखना। आइए सर मैं लेकर चलता हूँ। आप आइए। आइए सर।
ये तो वही केमिकल है, लेकिन ये लोग यहाँ से बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? हमने सारे सबूत जुटा लिए थे और सारे सैंपल्स भी टेस्ट किए थे। एक बात तो पक्की है कि सामन की मौत और सीआरएम फार्मास्यूटिकल्स का कोई ना कोई संबंध जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।